दोस्तों शाहरुख खान, सनी देओल और जूही चावला की फिल्म डर तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म ने जहां एक तरफ दोस्तों शाहरुख के करियर को नई उड़ान दी, वहीं बॉलीवुड के दो स्टार्स शाहरुख और सनी देओल के बीच में लड़ाई की वजह भी बनी। दोस्तों इस फिल्म के बाद में सनी देओल ने शाहरुख खान से बात तक नहीं की। इंडिया टीवी के शो के दौरान दोस्तों सनी देओल ने एक बार फिर से इस घटना को याद किया। जब सनी देओल से पूछा गया कि क्या उन्होंने फिल्म के 16 साल बाद तक शाहरुख खान से बात नहीं की, तो दोस्तों सनी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैंने बात नहीं की, लेकिन मैंने खुद को उन लोगों से काफ़ी दूर कर लिया था, इसलिए हम कभी मिले ही नहीं, तो बात करने की तो कोई बात ही नहीं है। सनी देओल ने आगे कहा कि फिल्म में लोगों ने मुझे काफ़ी पसंद किया, शाहरुख को भी पसंद किया गया। फिल्म के साथ मुझे बस इतनी प्रॉब्लम थी कि मुझे नहीं पता था कि वे विलन को इतनी ज़्यादा अहमियत देंगे। मैं फिल्मों में हमेशा खुले दिल से करता हूँ और पूरे भरोसे से काम करता हूँ। दुर्भाग्यवश ऐसे कई लोग और कई एक्टर्स हैं जो ऐसा काम नहीं करते, शायद ऐसे ही वे स्टारडम चाहते हैं। दरअसल दोस्तों उस समय सनी देओल बहुत ही बड़े स्टार थे, इसलिए डायरेक्टर यश चोपड़ा ने उनको यह ऑफर दिया कि वे राहुल मेहरा और सुनील मल्होत्रा में से एक का किरदार चुन ले। सनी पाजी को लगा कि उनके लिए सुनील मल्होत्रा का पॉजिटिव कैरेक्टर सही रहेगा, इसलिए दोस्तों उन्होंने ये किरदार चुना। इससे पहले दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान सनी देओल ने खुलासा किया था कि जब फिल्म डर बनाई गई थी, दोस्तों इससे पहले भी शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि जब फिल्म डर बनाई गई तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि इस फिल्म में विलन को हीरो से भी ज़्यादा दमदार तरीके से पेश किया जाएगा। मैं अपनी फिल्मों के बारे में पहले ही डायरेक्टर से सारी बात जान लेता हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस फिल्म का अंत कुछ ऐसा होना है तो मैं इस धोखे से हैरान रह गया, मुझसे झूठ कहा गया था। यही वजह है कि मैंने कभी भी यशराज के साथ में दोबारा काम नहीं किया। दोस्तों डर फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन में शाहरुख खान सनी देओल को चाकू मारने वाले थे। फिल्म की स्क्रिप्ट भी यही थी। इस सीन को लेकर सनी देओल की यश चोपड़ा से काफ़ी बहस हुई। उनका कहना था कि फिल्म में वो एक फिट कमांडो है, ऐसे में उन्हें एक आम आदमी चाकू कैसे मार सकता है, तो फिर वो कमांडो किस काम के। लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि ये सीन है तो करना पड़ेगा। इस सीन को शूट करने के दौरान सनी पाजी को इतना गुस्सा आ गया था कि उन्होंने अपने पैंट की दोनों जेबें ही फाड़ डाली। दोस्तों इस घटना का जिक्र भी सनी देओल ने किया।